पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक और बात कही थी कि इंडिया फर्स्ट, हिंदुस्तान सबसे पहले है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि मेरी कोई किताब नहीं है, मेरी किताब हिंदुस्तान का संविधान है। कल क्या फैसला लिया गया? फैसला ये लिया गया कि जो शख्स बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, वो सामने बैठा हुआ था, उसकी गोद में कोई खातून कूद कर उसको मिठाई खिला रही थी। आज उस शख्स को, जिसका नाम मुरली मनोहर जोशी है, जिसके खिलाफ बाबरी मस्जिद की शहादत का सीबीआई का मुकदमा चल रहा है, हमारे वजीर आजम उस शख्स को पद्म विभूषण का अवार्ड देते हैं जो हिंदुस्तान का सिविलियन दूसरा बड़ा अवार्ड है। भारत रत्न के बाद अगर कोई अवार्ड है तो पद्म विभूषण है। जिसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है, आप उसको पद्म विभूषण देते हैं और वजीर आजम कहते हैं कि मैं सियासत को पाक कर दूंगा, मैं सियासत से क्रिमिनलों का खात्मा कर दूंगा। बताओ मिस्टर मोदी, जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस है, कैसे आप उस शख्स को पद्म विभूषण का अवार्ड दे सकते हैं? बताइए, आप खुद सोचिए। यह मुल्क मेरा है, यह मुल्क आपका है, यह मुल्क बीजेपी या मोदी का ही नहीं है। यह हिंदुस्तान मेरा है, यह हिंदुस्तान की सरजमीन को मैंने अपने खून से सींचा है। इस सरजमीन की आजादी में हमने अपना खून, पसीना, सब कुछ कुर्बान किया। यह और बात है कि मौरख का कलम आजाद नहीं है, मगर ये वतन मेरा है और मेरा वतन रहेगा। मैं यहाँ पर कभी किराएदार था ना किराएदार रहूंगा। मैं यहाँ पर अव्वल दर्जे का शहरी था, अव्वल दर्जे का शहरी रहूंगा। हिंदुस्तान का संविधान मेरा है, आपका है और सबका है। बताइए मिस्टर।